गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, हमने हमारा 14th चैप्टर कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स स्टार्ट कर रखा है। इसकी दो एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, ए और बी। ए एक्सरसाइज के अंदर आपको फोर साइड्स और वन डायगनल गिवन होता था, उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करते थे, कंस्ट्रक्शन करते थे कि इसकी क्वाड्रिलेटरल्स की। और जो एक्सरसाइज 14 बी थी, उसके अंदर हमने क्या किया था, थ्री साइड्स और टू डायगनल्स की हेल्प से कंस्ट्रक्शन की थी क्वाड्रिलेटरल्स की। बट इस एक्सरसाइज के अंदर हमें फोर साइड्स और वन एंगल गिवन होगा, उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे किसकी, क्वाड्रिलेटरल्स की। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रफ फिगर ड्रॉ करना है। तो रफ फिगर की हेल्प से फिर हम उसको जो फेयर है बना सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे मान लो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल मैंने वैसे ही बनाया है, रफ है, इसकी कोई शेप जो है एज इट इज़ नहीं आएगी। तो यहाँ ये ले लेते हैं हम ए बी सी और डी। तो ए जो है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, एंगल बी 80 डिग्री है। एक्चुअली ये 80 डिग्री है नहीं, फिर भी हम सिर्फ रफ इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो बी सी किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर, सी डी इज 6 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये सभी साइड्स जो हमें गिवन थी वो हमने मेंशन कर दी हैं। अब हमने इसका फेयर फिगर बनाना है और उसके साथ ही आपको क्या लिखना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। तो देखिए पॉइंट नंबर वन, और यहाँ फेयर फिगर बनाएंगे जब, तो यहाँ हम एक लाइन सेगमेंट ए बी सबसे नीचे ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर सेकेंड, अब देखो ए से हमारे पास ए बी 5 सेंटीमीटर था, अब देखो बी जो वर्टेक्स है यहाँ हमें क्या बनाना है, 80 डिग्री एंगल। तो यहाँ जो 80 डिग्री एंगल है वो हम डी की हेल्प से बनाएंगे। हम डी का जो सेंटर वाला जो पॉइंट है उसको इस बी के ऊपर रखेंगे, और जो आपने देखा होगा डी के नीचे एक ब्लैक लाइन होती है, वो जो ब्लैक लाइन है वो इस ए बी के बिल्कुल ऊपर ही आनी चाहिए, न ऊपर न नीचे, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर आनी चाहिए। फिर हम यहाँ से जीरो देखेंगे, जहाँ पे लाइन होती है ना वहाँ से हम जीरो देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जब जीरो देखोगे तो आपको 80 डिग्री एंगल दिखाई देगा, जहाँ भी 80 डिग्री आए एंगल दिखाई दे वहाँ पे एक ऐसे आप रे बना देना और इसका नाम लिख देना एक्स। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, मेक एंगल ए बी एक्स, मेक एंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो यहाँ पे हम 80 डिग्री एंगल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब पॉइंट नंबर थ्री, तो ये देखो बी से जो बी सी डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, विद बी एज ए सेंटर कट ऑफ बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हम कट ऑफ कर देंगे बी से, बी को सेंटर लेंगे और बी सी ऐसे एक आर्क कट कर देंगे किसके इक्वल, 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास पॉइंट सी आ चुका है 4 सेंटीमीटर पे। अब हमें क्या करना है पॉइंट नंबर फोर में, देखो सी से सी डी डिस्टेंस भी हमें पता है और ए से ए डी डिस्टेंस भी हमें पता है, तो दोनों ही हमें यूज़ करने हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। तो देखो विद ए एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ए डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो देखो ए को सेंटर लेंगे, 7 सेंटीमीटर रेडियस ओपन करके एक क्या लगा देंगे, आर्क लगा देंगे। इसी तरह से पॉइंट नंबर फाइव, विद सी एज ए सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर विच कट्स प्रीवियस आर्क एट डी, जो प्रीवियस आर्क को कहाँ पे कट करेगा, पॉइंट डी पर। अगला जो हमारा पॉइंट नंबर सिक्स होगा, हम उसमें क्या लिखेंगे, हम जॉइन ए डी एंड सी डी। तो देखो ए डी को और सी डी को हम क्या कर देंगे, जॉइन कर देंगे और इनकी वैल्यू लिख देते हैं। पॉइंट नंबर सेवन, दस वी ऑब्टेंड रिक्वायर्ड
क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन करनी है, दोनों फिगर बनाने हैं, रफ भी और फेयर भी, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके अंदर भी हमें क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है। किसकी? क्वाड्रिलेटरल की। क्या नेम है? पी क्यू आर एस। तो इसके अंदर देखो पी क्यू आर एस, जिसमें पी क्यू क्यू आर दोनों का डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, 3.5 सेंटीमीटर के। इसी तरह से पी एस और आर एस दोनों ही इक्वल है और किसके इक्वल है, 5.2 सेंटीमीटर के। और एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है, 120 डिग्री। तो देखो एंगल जो ये पी क्यू आर है इसमें आपको पजल नहीं होना, ये जो बीच में जो अल्फाबेट आपको दिखाई दे रहा है ना क्यू, तो ये क्यू वाले जो वर्टेक्स है उसके ऊपर ये हमें 120 डिग्री बनाना है। इसको आप यदि लिखना चाहो तो एंगल आर क्यू पी भी लिख सकते हो, पी क्यू आर भी लिख सकते हो, इस बीच में क्या हो, सेंटर पे क्यू आना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमें किसके ऊपर बनाना है। तो अब देखिए सबसे पहले तो हम इसका एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा भी आप बनाना चाहो बना सकते हो, पी क्यू आर एस। तो इसमें पी क्यू आर एस के अंदर देखो पी क्यू तो हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर, क्यू आर ये भी 3.5 सेंटीमीटर है, पी एस हमारे पास है 5.2 सेंटीमीटर, और आर एस ये भी हमारे पास है 5.2 सेंटीमीटर, और एंगल पी क्यू क्यू के ऊपर हमें कितने डिग्री एंगल बनाना है, 120 डिग्री एंगल बनाना है। तो ये हमारा रफ फिगर है। अब इसकी हेल्प से हमें फेयर फिगर बनाना है। तो देखो फेयर फिगर के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अपॉन में हम क्या ले लेते हैं, पी क्यू एक लाइन सेगमेंट पी क्यू 3.5 सेंटीमीटर, और साथ साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते रहिए, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू किसके इक्वल, 3.5 सेंटीमीटर के, मेक एंगल। अब देखो हमें एंगल बनाना है यहाँ पे 120 डिग्री इस तरह से, तो यहाँ एक्स लिख लेते हैं, मेक एंगल पी क्यू एक्स किसके इक्वल, 120 डिग्री के, ठीक है। यहाँ तक आपको सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 120 डिग्री लिख लेते हैं। अब थर्ड पॉइंट में हमें क्या करना है, विद क्यू एज ए सेंटर कट ऑफ, देखो क्यू को सेंटर लेंगे और क्यू आर जो है हमारे पास कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर कट ऑफ कर देंगे यहाँ से। रेडियस कट ऑफ कैसे करते हैं, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस ओपन कर लेंगे, क्यू पर रखकर उसको एक आर्क लगा देंगे जो इस क्यू एक्स को कहाँ पे कट कर देगा, पॉइंट नंबर आर पे, ठीक है। तो ये क्यू आर जो है ये हमारे पास आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, आर पॉइंट हमें पता चल चुका है। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर फोर्थ विद, अब देखिए या तो आप आर के ऊपर रख के भी आर्क लगा सकते हो, पी पे रख के भी आर्क, दोनों ही लगा सकते हैं। तो विद पी एज ए सेंटर ड्रो एन आर्क ऑफ रेडियस पी एस, तो यहाँ पे पी एस हम कितना ले लेंगे, यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर, तो ये ऐसे आर्क लगा लेते हैं 5.2 सेंटीमीटर लेकर के। और फिर विद आर एज ए सेंटर ड्रो अनदर आर्क ऑफ रेडियस आर एस इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, तो एक अनदर आर्क लगाएंगे विच कट्स प्रीवियस आर्क एट एस, जो प्रीवियस आर्क को कहाँ पे कट करेगा, एस पॉइंट पर। तो ज्वाइन करना है अब हमें आर एस को एंड पी एस को, तो देखो आर एस को और पी एस को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो दस वी ऑब्टेंड रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना क्या है, इनकी वैल्यूज भी लिखनी है आर एस, तो आर एस किसके इक्वल है, 5.2 सेंटीमीटर, और पी एस किसके इक्वल है, 5.2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो चलिए देखिए। अब देखिए इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसके अंदर भी हमें कंस्ट्रक्शन करनी है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की, जिसके अंदर ए बी 4.2 सेंटीमीटर है, बी सी 4.5 सेंटीमीटर है, सी डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, डी ए 4.8 सेंटीमीटर है, और एंगल ए जो है वो 72 डिग्री है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक रफ फिगर बनाना है ए बी सी डी, जिसमें एंगल ए किसके इक्वल है, 72 डिग्री के, ए बी 4.2, बी सी, ये सारी वैल्यूज जैसी जैसी गिवन है वैसे वैसे हमने इसमें मेंशन कर दी हैं। अब इसका जो फेयर फिगर होगा वो हमें बनाना है, और साथ में
इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। तो सबसे पहले हम नीचे क्या लेंगे, एक लाइन सेगमेंट ए बी किसके इक्वल 4.2 सेंटीमीटर। तो पहले तो ये देख सकते हो आप, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या करना है, मेक एंगल बी ए एक्स। तो देखो एंगल बी ए एक्स कितने 70 डिग्री, किसकी हेल्प से बनाओगे आप, डी की हेल्प से। ये 72 डिग्री हमने यहाँ बना दिया है। अब इसके बाद विद ए एज ए सेंटर, ए को ही सेंटर लेना है। कट ऑफ ए डी, देखो ए डी किसके इक्वल है 4.8 सेंटीमीटर के, तो आप यहाँ पे कट लगा दोगे, आर्क लगा दोगे 4.8 सेंटीमीटर रेडियस ओपन करके, जो ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा डी, और यहाँ क्या लिख दोगे 4.8 सेंटीमीटर। इसके बाद है पॉइंट नंबर 4, विद बी एज ए सेंटर ड्रो एन आर्क ऑफ रेडियस बी सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। देख सकते हो आप, बी को हम सेंटर लेंगे, एक 4.5 सेंटीमीटर रेडियस ओपन करके एक आर्क लगा देंगे। फिर इसके बाद विद डी एज ए सेंटर, जो हमारा डी पॉइंट आया है यहाँ पे आप अपनी प्रकार को रखोगे, और फिर उसके बाद रेडियस कितनी ओपन करोगे, सी डी 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर ओपन करके एक आर्क लगाओगे जो प्रीवियस आर्क को कट कर देगी, कहाँ पर, पॉइंट नंबर सी पर। फिर ज्वाइन कर देंगे हम किसको, बी को सी से और सी को डी से, और इनकी जो वैल्यूज गिवन होंगी वो हम इसके अंदर मेंशन कर देंगे। तो 10 ज्वाइन बी सी एंड सी डी, देन वी ऑब्टेंड रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो इस तरह से आपको ये कंस्ट्रक्शन करनी है। इसी क्वेश्चन के साथ ये जो वीडियो है ये कंप्लीट हुई, और इसको आप देख करके अपनी फेयर नोटबुक भी कंप्लीट करते रहना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।